जहाँ हो प्यार का बसेरा और रिश्तों की खुशबू, वही आपका अपना घर संसार। ज्वाइन मी ऑन घर संसार मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन रेडियो फिजी 2। नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ रवीतिका प्रताप। कमर्स कमीशन ने रेंट फ्रीज ओडा को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। नए ओडा के तहत सभी रेजिडेंशियल लैंडलॉर्ड्स को कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड्स अगले वर्ष किसी भी समय रेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। कमर्स कमीशन के चेयर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना है कि इसकी स्वीकृति अटॉर्नी जनरल AR सैयद कय्यूम ने दी है। फिलहाल कंज्यूमर काउंसिल ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि टेनेंट्स को उन लैंडलॉर्ड से सुरक्षा प्रदान करनी होगी जो गलत फायदा उठाते हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बात से इनकार किया है कि उनके सुबह दफ्तर में कस्टमर सर्विस सेक्शन में कोई ढीलापन बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमारामा ने पिछले सप्ताह ये कहा था कि उन्हें एक तस्वीर मिली है जिसमें एक खाली काउंटर दिखाया गया था और ये कहा गया था कि सभी स्टाफ मॉर्निंग टी के लिए गए हुए थे। इमिग्रेशन डायरेक्टर निमानी वुनिवांगा का कहना है कि उनकी मैनेजमेंट टीम ने इन दावों में जांच किया है। वुनिवांगा का कहना है कि स्टाफ ब्रेक्स के लिए सभी नीति साफ है और अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है तब उनके अफसरों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए उन्होंने स्ट्रेटजीज को तैयार किया है। सरकार अगले वर्ष से छोटे व्यापारों के लिए नए लाइसेंसिंग मेथड्स को लागू करेगी। एक बयान में सरकार ने कहा है कि हर वर्ष फीजन व्यापारियों को अपने लाइसेंस नया करने के लिए वही प्रणालियों का पालन करना पड़ता है और सालाना फीस भरनी पड़ती है। अब छोटे व्यापारियों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा और उन्हें 3 सालों का लाइसेंस मिलेगा जिससे रेड टेप खत्म होगी और प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा। अटॉर्नी जनरल AR सैयद कय्यूम का कहना है कि वे सभी व्यापारों पर गौर कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि क्या सभी वर्ग के व्यापारों को एक जैसा फीस भरना पड़े या अलग अलग। और खेलकूद में नंदनगढ़ रग्बी यूनियन जनवरी में होने वाले डाउन सेवंस दावे थालेवो क्लब को अपने ऑफ सीजन प्रोग्राम के तहत फीचर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए $56,000 प्राइज मनी है और ये सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे रिचेस्ट टूर्नामेंट है। नंदनगढ़ रग्बी यूनियन के प्रेसिडेंट टीको मतवालू का कहना है कि वे हमेशा ऑफ सीजन पर फोकस करते हैं ताकि वे फुल सीजन के लिए अच्छी तरह तैयार रहें। 2014 डाउन टूर्नामेंट को 25 और 26 जनवरी को खेला जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभ रात्रि। आपकी शादी होने वाली है। 5-5 बच्चे होंगे। 5-5 हाय, मैं हूँ आपकी सहेली रेनू। सुनते रहेंगे मिर्च FM। मैं हूँ ना 9 से 12 बजे तक।